बार मैं शाहजी और मेरे साथ बवनजीत सिंह है, तो आज हम थोड़ा आपसे शायद बहुत सारे लोगों से मैं मुलाकात किया होगा पहले, कुछ लोगों के साथ शायद वर्कशॉप किया भी हो सकता है, तो मुझे पता नहीं कि किस किस के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत हुआ है या वर्कशॉप हुआ है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमारा जिंदगी से जुड़ के हम गणित को कैसे समझे, कैसे समझाए। आई थिंक दैट्स द टॉपिक, लर्निंग फ्रॉम आवर रियल लाइफ, यू नो, एंड आई थिंक वी विल फोकस लिटिल ऑन मैथमेटिक्स, देन मे बी वी कैन गेट इन टू डिफरेंट लिंकेजेस। सो आई थिंक दैट इज वट टुडे वी आर प्लानिंग टू डू। सो द सेशन ब्रॉडली आई थॉट इट कैन बी इन थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट सेशन अ काइंड ऑफ अ प्रिल्यूड, एन इंट्रोडक्शन इन टू द सब्जेक्ट। द सेकेंड सेशन काइंड ऑफ डिस्कशन अराउंड सम एग्जाम्पल्स, दैट इज मोर सीइंग मैथमेटिक्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। देन द थर्ड वन अ काइंड ऑफ शेयरिंग एंड डिस्कशन। दिस इज द ब्रॉड थ्री थ्री कंपोनेंट्स ऑफ टूडेज सेशन। So, I think I may take around, overall, I think the discussion will take 45 minutes, then maybe we can have question answer, whatever. So, अभी हम बात करते हैं कि गणित के बारे में, और गणित और जिंदगी उसे अगर हम देखेंगे, तो मैं गणित में फोकस करके शुरू करेंगे, फिर शायद हो सकता है तो बाकी सब्जेक्टों में जोड़ के हम थोड़ा विचार कर सकता है। तो पहली पहली जो बातें जो मैं आपके सामने जो रखना चाहता है कि गणित, हम बच्चों को गणित क्यों पढ़ाता है ना, एक आम सवाल होता है कि Why do we teach mathematics to our children? कोई शेयर करना चाहेंगे तो मैं सुनना चाहूंगा आपसे। हम बच्चों को गणित क्यों पढ़ा रहा है, क्या वजह है? क्योंकि बच्चे, हम सबको पता है, बच्चे गणित से डरते हैं बहुत सारे जगह में, बहुत सारे बच्चे, हम भी, बहुत सारे लोग भी गणित से डरते हैं। लेकिन ब्रेन साइंस एक चीज अनडाउटेडली प्रूव किया है कि हमारा ब्रेन है ना, डरने, मैथ से डरने के लिए वायरिंग नहीं किया है। तो सो लेकिन मैथ से डरते हैं, तो हम वो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हमेशा हम देखता है कि जो जिंदगी में जो गणित होता है वो हमको कर पा रहा है, लेकिन क्लासरूम में जो होता है उसमें तकलीफें बढ़ जाता है। और क्लासरूम में जो सीखा है, जो जिंदगी में जो जरूरत है, उसकी बीच में तालमेल नहीं होते। जो क्लास में जो सीखा है वो क्लास में ही रह जाता है, एग्जाम के बाद भूल जाता है। जो जिंदगी में जरूरत है उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं। तो क्या ये दोनों को जोड़ सकता है?
बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कक्षा का एक मुख्य विषय यही है, तो उसकी एक इंट्रोडक्शन के रूप में मेरा सवाल यह था कि हम बच्चों को नहीं, क्यों गणित पढ़ा रहे हैं? किसी को कुछ बताना है तो बता सकता है, एक दो व्यक्ति। आई थिंक रवि और किरण कुछ बोलने लगे। हाँ जी प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू प्रीति, प्लीज फैसिलिटेट सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस। आई विल बी वेरी यस यस श्योर श्योर थैंक यू सर। हम आपका जैसे सवाल है, तो हम लोग गणित बच्चों को पढ़ाते हैं उनके अंदर स्किल्स और जो थिंकिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये स्किल्स और थिंकिंग स्ट्रेटजीज ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनको हेल्पफुल होती हैं, चाहे वो मार्केट जा रहे हैं या शॉप पे जा रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है इसलिए गणित जरूरी होता है बच्चों को पढ़ाना। वेरी नाइस। जो भी बोल रहा है प्लीज आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए और म्यूट भी कर लीजिएगा प्लीज। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स प्लीज। रवि आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, आई वाज सेइंग कि मैथ तो किसी भी इंसान के चारों तरफ है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डे, जब वो अपना ब्रश में टूथपेस्ट लगाता है, फ्रॉम दैट द मैथ स्टार्ट्स, कि उसको ब्रश में टूथपेस्ट कितना लगाना है, वहां से मैथ स्टार्ट होती है। सो आई थिंक मैथ एक बहुत एसेंशियल पार्ट है किसी की भी लाइफ का। बट ये है कि उसको क्लासरूम मैथ में और जनरल मैथ जो लाइफ में हम यूज करते हैं, अगर इसको हम अटैच करते हैं तो सबसे बेस्ट है। एंड डेफिनेटली इसको किया जा सकता है, दोनों को लिंक किया जा सकता है। बट द थिंग इज कि ये गैप वहीं पे आता है जहाँ पे हम लिंक करने में फेल हो जाते हैं, एज अ टीचर हो सकता है, एज अ फादर, एज अ मदर, कोई भी हो सकता है। जब इसको बच्चे के साथ लिंक नहीं करवा पाते तो कहीं ना कहीं बच्चे को और हमें खुद भी मैथ से डर लगने लगता है। अदरवाइज मैथ है बहुत आसान है, क्योंकि सारी चीजें कितना पैसा, कितना सामान, कितना ये, कितना वजन, सारी चीजें मैथ्स हैं। सो इसको लिंक करवा दें अगर हम, या बच्चे को इस तरह से कुछ दिमाग में डाल दें, या उसको सोचने पे मतलब उसके थिंकिंग कैपेसिटी में ये चीज इम्बाइब कर दें कि नहीं, मैथ वैसी नहीं है जैसा हम बनाते हैं, और इसके बीच में लिंक है कि आपकी लाइफ और क्लास दोनों को कनेक्ट करता है, और बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। अगर ये चीज हम कहीं से बता सकते हैं, सो इट विल बी द बेस्ट थिंग दैट वी कैन गिव टू अवर किड, अ स्टूडेंट और एनीवन। Okay. Thank you, Ravi. Anybody else? We can take one more response, please. Agar koi aur bolna chahega. Anybody else, please? Hello, ma'am. Shaji, please. So, shayad mote taur par jo pehle jo point jo aaya tha, wo mujhe laga ki it's very important that we are teaching mathematics, because mathematics is needed in our everyday life. Zindagi ki har mode pe ganit ki zarurat padta hai. Sabji khareedna hai, currency ki baat abhi rakha hai, saman khareedna hai, ghar banana hai, kuch koi bhi cheeze isaaf rakhna hai, aam zindagi mein bahut zarurat padta hai. सेविंग्स के लिए, सैलरीज में, लोन लेने में, इंश्योरेंस लेने में, व्यापार करने में, जिंदगी की हर मोड पर इंसान को गणित की जरूरत है। इन एवरी यू नो काइंड ऑफ ए रियल लाइफ वी नीड लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड पीपल डू लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। इवन दोज पीपल हु नेवर अटेंडेड स्कूल एवर इन देयर लाइफ, दे हैव डन वेरी गुड मैथमेटिक्स, एंड मेनी ऑफ देम टर्न टू बी गुड बिजनेस पीपल इन द past history. So, एक चीज है कि आम दुनिया में इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन उसी रूप में जो दूसरा जो पॉइंट आया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि वो एक पॉइंट है कि उसमें थिंकिंग स्किल्स की डेवलपमेंट होता है। मैथ गणित में, गणित की एक सबसे खास, इसीलिए शायद गणित इतनी उसकी ये प्रेस्टीज मिला है, कि गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है वो इंसान को लॉजिकल थिंकिंग में ट्रेनिंग देते। इट इज द वन ऑफ द
most you know beautiful kind of a contribution of powerful contribution of mathematics, that is, it help us, which is useful not only in mathematics but also in the real life, in other areas also, even science. That is the second point which came. Maybe अगर हम नॉर्मली लोगों से जब बात करेगा तो लोग ये बोलते हैं कि देखो अगर आपको कोई भी नया कोई भी नौकरी में लगना है तो आपके मैथ्स की समझ की जरूरत है. कोई भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड साइंस आने वाले दुनिया में जो प्रोफेशन है, जो इंजीनियरिंग है, जो व्यापार है, जो सोशल साइंस में भी जो पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, कोई भी प्रोफेशन हो आप आपको गणित की जरूरत पड़ता है. सो मोटे तौर पर हम तीन चीजों में शायद फोकस कर सकता है कि एक है आपकी प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस के लिए आपकी मैथ्स की जरूरत पड़ता है. जो भी आपके आने वाले पढ़ाई में मैथ्स बिना आपको आगे जाना बहुत मुश्किल है. कोई भी प्रोफेशन में जॉब में आप ज्वाइन करें, यू नीड good considerable amount of mathematics. What kind of mathematics are needed in that sector, we will discuss it maybe towards the end. Dusra jo bola hai ki real life ki jo har jagah pe humko mathematics ki zarurat. Teesra jo baat rakha, jo maths ki ek anokhi jo baat hai, that is mathematics is something which trains human minds in logical thinking, reasoning, which are very, very critical skills for 21st century citizens. I think even Prajatantr mein bhi aapko kuch cheeze samajhna hai to aapko ganit ki zarurat hai. To aisa nahi hai ki so there is a political need also. Democracy mein jankariyan milna, jankari hasil karna, jankari ko samajhna, इसके लिए भी गणित की, स्टैटिस्टिक्स की काफी जरूरत है. इलेक्शन एक कॉन्टेक्स्ट है, उसमें नंबर का पूरा आजकल आप देख सकता है कि कितना नंबर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ रहा है. तो ये एक तीन चीजें आ गया. तो मैंने सोचा कि एक और कंपोनेंट डिस्कस करने के बाद हम आगे बातचीत करेंगे. तो लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये आ जाता है कि गणित इसीलिए हम पढ़ा रहे, लेकिन गणित के नाम में इतनी मिसयूज किया हुआ एक सब्जेक्ट है. ऐसे कोई सब्जेक्ट मुझे लगता है कि इतिहास और गणित है. इतिहास पॉलिटिक्स में शायद मिसयूज किया होगा, लेकिन गणित क्लासरूम में इतना मिसयूज हुआ है कि पिछले एक सेंचुरी इज ए सेंचुरी ऑफ मिसयूजिंग मैथमेटिक्स इन द क्लासरूम प्रोसेस. The way we taught children, you know, the way that scared children, you know, it's really, you know, kind of a subject. So it is very much we the understanding of mathematics. What is mathematics among teachers, among parents, among educators, among ordinary people? It is very, very, you know, kind of a confusing. I mean, there are a lot of confusion around that. So maybe one very important thing, maybe I think you know, teachers' belief system, when we look at that, you know, we see their idea of mathematics is very, very different from what is actually mathematics is all about, and that has a huge impact on children's learning, you know. So it is very important for us to understand what is mathematics. Maybe the last segment of the discussion. So, शायद मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि आपका क्या आइडिया है, what is mathematics? क्योंकि mathematician का एक आइडिया है, teachers की दूसरा आइडिया है, व्यापारी लोगों को बिल्कुल अलग सा आइडिया है. So, physicist को maths के बारे में बिल्कुल अलग आइडिया है. तो maths है क्या? I think Preeti, if you can facilitate one or two responses, that will be very nice. Yes, maths है क्या? है या नहीं है? और है तो क्या है? और अगर नहीं है तो क्या है? Yeah. Can somebody please quickly
well, बचपन में तो बहुत बड़ा स्ट्रेस पॉइंट होता था. Okay. Never easy. वो सर का नाम नहीं आता क्या? वो सर का यूजर वन लिखा हुआ था. संदीप सर. हाँ, मैं बोल रहा हूँ बचपन में बहुत बहुत स्ट्रेस पॉइंट होता था ये. मैट्स. ओके. Never could visualize, understand, tried mugging it up. But of course, it's a basic life skill because numbers are there everywhere. And also realize along the way that it's rather than fight it, if you can just kind of, you know, imbibe it more than anything else, it becomes a little interesting because then you can you know, twirl it around, you can see it from various different aspects. Especially if you get into the statistics and other applied mathematics. Yeah, true. And especially going ahead, going a little future, when maths and economics came, then it made a lot of sense. Oh, that's true. It connected. Yeah, then it made a lot of sense. Yeah. Okay, great. क्या मैं partner NGO से किसी को request कर सकती हूँ? अकूब भी है और भी बहुत सारे हैं कि अगर आप कुछ share करना चाहते हैं तो. प्लेटफॉर्म आपके लिए भी ओपन है प्लीज. कोमल, यू वांट टू से समथिंग? नॉट राइट नाउ. एनीबॉडी एल्स? मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा. मैं जो गणित को समझता हूँ, अगर मैं मारवाड़ की जो भाषा है उसमें बात करूं तो सीधा सीधा मतलब है आपके पास में 99 है, लेकिन 100 प्राप्त करने के लिए आप जितना भी चक्कर लगा रहे हैं वही गणित है. अच्छा, ठीक है, बढ़िया. और दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन को जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को की पूर्ति करने के लिए हमको कहीं ना कहीं गणित की जरूरत आवश्यकता पड़ती है. अगर गणित नहीं है तो हम अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू. हेलो. यस. हेलो. हाँ जी. हाँ जी सर, बोलिए. हेलो मैम. बोलिए, प्लीज बोलिए. हाँ मैम, मैं बोल रहा था सर, एक्चुअली मैथ एक ऐसी चीज है जो हमारे चारों तरफ है, जो बिना लॉजिक का नहीं है. वो लॉजिक हमें सिखाता है कुछ भी मेजरमेंट के लिए, कुछ भी, या फिर साइज शेप्स या मेजरमेंट कुछ भी हो, ये पूरे गणित के ऊपर ही आधारित है, जो कि हमारे पूरे लाइफ के बारे में हमें सिखाती है. रजनीकांत साहू. क्या रे सर, कैसे हैं सर? हाँ सर, माय प्लेजर सर. सभी को नमस्कार. सर, अगर गणित की बात करें तो गणित प्रत्येक समस्या का सोल्यूशन, एक छोटे से शब्द में गए तो हर समस्या का हल है गणित. ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. या ग्रेट. ओवर टू यू शाजी नाउ. या मोटे तौर पर अगर हम देखेंगे कि गणित एक प्रॉब्लम पोस्ट करना, प्रॉब्लम के बारे में सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल है. ऐसे गणित को बोलता है कि इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का ये जो सॉल्यूशन ढूंढना. सो मुझे लगा सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं इसको इस रूप में मैथ्स को डिफाइन करना चाहता हूं कि हमको इसमें से कुछ हमारा काम में वो डेफिनेशन मदद करे, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेफिनेशन से मैथ्स के बारे में, रसेल का है, पाइथागोरस का है, यू नो, बहुत सारे. लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि एक एजुकेटर होने के नाते हम गणित को कैसे देखना चाहिए, गणित है क्या. तो एक ओवरऑल इंप्रेशन अगर हम देखेंगे तो पहले जो बात आपने जो रखा है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट पॉसिंग राइट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, शायद आज की सेशन में बावनजीत काफी सारी उस तरीके का प्रॉब्लम्स पोस्ट करेंगे. सो पोस्टिंग राइट क्वेश्चन, प्रॉम्प्टिंग चिल्ड्रन टू थिंक, आई थिंक दैट इज व्हाट इज यू नो टीचर्स आर यू नो सपोज टू डू इन मैथ्स क्लास. सो आस्किंग क्वेश्चंस, आई थिंक दैट इज वेरी करेक्ट. लेकिन उसके बाद क्या होता है,
आपको एक प्रॉब्लम आपको सामने टीचर ने रखा या कोई ने रखा या जिंदगी में आपका मन में आया, फिर आप वो प्रॉब्लम को समझते हैं, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द प्रॉब्लम कि ये है. आई थिंक वी विल एक्सप्लेन दैट विद सम एग्जांपल्स, डोंट वरी. सो वो प्रॉब्लम को समझना, उसका एक मेंटल मॉडल बनाना है ना. एक बस में 28 लोग जा रहा था, बीच में से 4 लोग उतर गया और 3 लोग चढ़ा भी है, तो अभी बस में कितना लोग होगा, है ना, ये एक प्रॉब्लम है. अगर ये एक प्रॉब्लम है तो उसका एक पिक्चर है, वो पिक्चर है कि 28 लोग है और उसमें से 3 लोग उतरा, वो एक विजुअल है, 4 लोग उतरा और 3 लोग उसमें चढ़ा भी है. सो वो एक कॉम्प्रिहेंशन, एक मेंटल मॉडल आता है. फिर हम उसको, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैथमेटिकल मॉडल बनाता है. मैथमेटिकल मॉडल क्या है? 28 - 4 + 3. सो उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में हमने उसको कन्वर्ट किया, है ना. प्रॉब्लम आया, उसका विजुअलाइजेशन कर दिया, फिर उसको हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बना दिया. फिर हमने क्या किया, उसका कैलकुलेशन किया, है ना. एडिशन करना है तो एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन है, गुणन है तो कैलकुलेशन. सो पहले कदम द प्रॉब्लम, दूसरा कदम द उसका जो विजुअलाइजेशन, तीसरा कदम उसका जो मैथमेटिकल मॉडलिंग, और उसके बाद हमने क्या किया, कैलकुलेशन. कैलकुलेशन करने के बाद एक जवाब मिल गया, फिर हम वो जवाब को वेरीफाई करते हैं, ये सही है या गलत है, हम चेक कर लेते हैं ये फिट होता है या नहीं, चेक करते हैं. सो ब्रॉडली स्पीकिंग, इफ आई रियली लुक एट मैथमेटिक्स इन इन broad sense, it is all about posing the problem, number one, then mental models, number two, mental model, finally maths model, calculation, number three, then verifying the outcome, that is jo jawab mila hai usko verify karna. Ye char component hai problem solving ke, problem, modeling, कैलकुलेशन एंड वेरिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, वट एवर. लेकिन समस्या स्कूल की, मैथ्स की समस्या क्या है, ये चारों में सिर्फ एक की हिस्सा को पूरा फोकस दे दिया, वो है कैलकुलेशन. कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में कम्युनिकेशन की काफी स्पेस है, उसको पूरा इग्नोर कर दिया. और एक मीनिंगफुल, एंगेजिंग, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होना चाहिए, वो बहुत सारे बोरिंग प्रॉब्लम हो गए. प्रॉब्लम तो बहुत बोरिंग हो गए, और कॉम्प्रिहेंशन की जो एरिया ही नहीं है, क्योंकि उसमें कीवर्ड डाल देता है. फिर है कैलकुलेशन, वो तो सेंडर है, पूरा कैलकुलेशन. उसके बाद जो आंसर मिला है, वो आंसर को प्रॉब्लम के साथ जोड़ के सोचना, बातचीत करना, बिल्कुल नहीं राइट और रॉन्ग. टीचर के पास आंसर की हो. शायद मैथमेटिक्स की सबसे बड़ा ट्रेजेडी जो क्लासरूम में हुआ, ये हुआ है, इसकी जो चार हिस्से में एक ही हिस्सा को इंपॉर्टेंस मिला है. शायद मालूम नहीं मैं आपके साथ शेयर किया है ये नहीं है, कि हम अगर टेक्स्ट बुक देखता है तो क्या देखता है, एक चैप्टर आ जाता है, उस चैप्टर में लिखा है एडिशन है, तो बच्चे को मालूम है जो भी नंबर आएगा आपको ऐड करना है, और हम बच्चों को एडिशन सिखा देता है, ऐसे ऊपर करके नीचे करके एडिशन करो, एल्गोरिदम सिखता है, नंबर को देखना समझना बिल्कुल नहीं. 12 मतलब 2 × 1 एंड 1 × 10, उसी रूप में देखता है. उसके बाद हम एक वर्ड प्रॉब्लम लेके आता है, और वर्ड प्रॉब्लम क्या है, अनिदा सब्जी मंडी में गया,
अनिदा 40 किलो कैरेट खरीदा, 22 किलो बीटरूट खरीदा, कुल मिला के कितना किलो सब्जी खरीदा। अगर चैप्टर का नाम एडिशन है, जो अनिता कुछ भी खरीदेगा दो नंबर को पकड़ के एडिशन करना ही है। तो अनिता कैरेट खरीदे, बीटरूट खरीदे, पालक खरीदे, बैंगन खरीदे, कोई फर्क नहीं। प्रॉब्लम बिल्कुल बोरिंग है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए। सो फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स द प्रॉब्लम फेल्स, और उसके बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है, नंबर को पकड़ो। सो कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल फेल्ड है। थर्ड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, एडिशन है तो एडिशन पढ़ाया है वही फॉलो करो, सोचने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो 9 से 10 से ज्यादा 10 आ गए या ज्यादा आ गया ऊपर उठाओ, बिल्कुल नंबर को देखने का ही जरूरत नहीं। आंसर मिल गया अंडरलाइन कर लो, हो गया। टीचर बोलेंगे सही या नहीं, आपको कुछ लेना देना नहीं। अगर टीचर सही बोला खुश हो गया, टीचर गलत बोला दुख हो गया। दिस इज द ट्रेजेडी दैट हैपेंड टू मैथमेटिक्स। द होल मीनिंग एंड पर्पस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीटली स्टोल्ड। एक अनिदा है, कैरेट है या बैंगन है या कुछ सब्जी है, वो जिंदगी से जुड़ के नहीं, जिंदगी की हर चीज इंटरेस्टिंग एंगेजिंग नहीं होता है। अपनी दुनिया से जो इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढ के उसके अंदर से प्रॉब्लम सॉल्व करना है मैथमेटिक्स की मकसद। आई थिंक मैंने ये एक छोटा सा चीज शायद आपके साथ शेयर करने के लिए सोच रहा था कि मैथमेटिक्स में ये हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने, इसीलिए लोगों को बोर होता है। उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, उसमें ना दिमाग डालना है, जो पढ़ाया हुआ जो विधि है वो विधि फॉलो करना है, विधि रटना है, बार बार ड्रिल करना है। अगर उसमें कोई गलती हो गया तो गया। तो कभी कभी टीचर का मदद, भगवान का मदद या पड़ोस का मदद की भी जरूरत पड़ता है। तो आंसर मिलना गणित की मकसद बन गया, सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बदल गए। अभी मॉडर्न जमाने में कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग, नॉट राइटिंग। एक्चुअली राइटिंग शायद गायब भी हो सकता है, कंप्यूटर लिखेंगे या लैपटॉप एंड्रॉइड फोन लिखेंगे। सो मेरा ये मानना है कि अभी मल्टीप्लीकेशन का चैप्टर आ जाता है, फिर अनिता दोबारा दुकान में जाता है, इस बार अनिता केक 12 केक खरीदता है, एक केक को 111 रुपया होता है, 12 केक को कितना रुपया होता है। चैप्टर का नाम तो मल्टीप्लीकेशन है, केक खरीदो या चॉकलेट खरीदो क्या फर्क पड़ता है, नंबर को पकड़ो गुणन करो जवाब आ गए। और ये 11 केक से अनिता करेगा क्या, वो अलग बात है। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो मीनिंग, नो एंगेजमेंट इन मैथमेटिक्स। दैट्स व्हाई इट इज बोरिंग फॉर टीचर्स, इट इज स्कैरी फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज इसमें एक ही बात होता है, करेक्ट और रॉन्ग। हम बोलते हैं मैथमेटिक्स थिंकिंग है, लेकिन बोलते हैं कि सबसे जल्दी जवाब दे दो। थिंकिंग है तो दो चीजें जरूरी है, एक है थिंकिंग होना है तो आपको चॉइस होना चाहिए, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके के कर सकते हैं, कौन सा तरीके में करेगा। लेकिन आप एक ही तरीका सीखा है, एक ही तरीका में करना है अल्गोरिदम, तो सोचने की, सोचना मतलब थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन टीचर बोलता है कि 5 मिनट में सॉल्व करो, 5 मिनट भी नहीं मिलते। सोच मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल बिना कैसे सोच हो सकता है। तो ये शायद मुद्दा है हमारा गणित की पाठ्यक्रम के लिए, जवाब, एग्जाम, मार्क, उसने ये गणित की सारी खूबियां पूरा। तो पिछले 20-30 साल से हमारा देश में काफी सारी वैज्ञानिक लोग है, काफी सारी संस्था है, इसमें बदलाव लेने के लिए कोशिश कर रहा। जोड़ो ज्ञान एक संस्था है,
उसमें एक हम स्टेट के साथ काम करते हैं। अभी हम एक जगह पे एक स्कूल शुरू कर रहा है जहां स्कूल नहीं सरकारी स्कूल जहां तीसरी क्लास तक कोई एग्जाम नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, कोई होमवर्क नहीं। तो ये सरकार चीफ मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उस स्कूल में ऐसा नहीं है कि उधर जोड़ो ज्ञान का करिकुलम प्रोसेस चले। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उधर लर्निंग नहीं है, लर्निंग होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए। सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? शायद मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, यू नो आई इम्पैक्ट ने सजेस्ट किया है मुझे, आई थिंक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। मैथमेटिक्स फ्रॉम एवरी डे लाइफ, हमारी मैथमेटिक्स नहीं, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ। तो मैं मैथमेटिक्स एक एग्जाम्पल के रूप में लिया। शायद पहले मैंने सोचा था कि साइंस ले लूं, लेकिन मैथमेटिक्स है तो थोड़ा और लोग बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें है वो मूर्त जिंदगी से ही निकल के आया ना। जो भी हम बोलते हैं अमूर्त है, बट इट एमर्ज्ड आउट ऑफ वेरी कॉन्क्रीट रियल सिचुएशंस। सो लेट अस गेट इनटू सम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट व्हिच वी ट्राइड आउट विद चिल्ड्रन, एंड वी चिल्ड्रन हैड वेरी वेरी नाइस टाइम। देन वी विल हैव अ डिस्कशन हाउ वी कैन डू इन आवर स्कूल्स, हमारा बच्चे भी अपनी दुनिया से जुड़ के खुशी के साथ समझ के साथ गणित सीखे। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखता हूं, मैं बावनजीत सिंह को अभी इनवाइट करूंगा, अगर बावनजीत सिंह कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्ते सभी को, इसके बारे में ओवर टू बावनजीत। तो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं डायरेक्टली पावर पॉइंट का। तो एक क्वेश्चन है, जैसे डेली लाइफ के रिलेटेड ही हम बात करते हैं कि कैसे कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट के आइडिया में जाना है, तो उसके रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। तो सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो, यस दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। तो क्वेश्चन जो है आप पढ़ भी सकते हैं और देखेंगे तो, पिलकन इज अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री एंड वी आर लकी दैट वी हैव मेनी ऑफ देम इन ऑल अराउंड दिल्ली। द पिक्चर हेयर इज ऑफ पिलकन ट्री फ्रॉम फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। हाउ टॉल डू यू थिंक इज दिस ट्री? कैन यू ट्राई टू एस्टिमेट? Do you have any pilkan tree near your house? Are any of them taller than this? तो शायद pilkan का पेड़ सबने देखा होगा। तो इसमें जो सवाल है, ये पिक्चर एक्चुअली में फिरोज शाह कोटला के आसपास का ही है। तो उसका हमें एस्टिमेट करना है इस pilkan tree के हाइट का। तो क्या लग रहा है कितना लगभग वो उसका हाइट होगा? तो आप चैट बॉक्स में इसका हाइट को अपना एस्टिमेट कर सकते हैं, और किस आधार पे क्या रीजन है आपका वो आंसर का या एस्टिमेशन का, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस भी कर लेंगे। तो अभी दो मिनट लेकर हम इसके बारे में सोच के कि क्या हाइट होगा लगभग, इसको चैट बॉक्स में सब लोग टाइप कर सकते हैं एस्टिमेशन जो भी हाइट का है। प्लीज स्टार्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में डालना अपने अपने रिस्पॉन्सेज, अपना अपना जो भी आप गेस है। ग्रेट, सादिक ने ऑलरेडी डाल दिया है, बाकी भी प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। तो काफी आंसर्स अराउंड 50 फीट आ रहा है, तो 40 टू 60 का रेंज काफी है इसमें हमारे पास।
15 फीट भी है। ग्रेट, करीबन 30 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, बाकी भी प्लीज डालते जाइए अपने। या जी, तो मैक्सिमम लोगों का आ गया है, तो हमारे पास जो रेंज आया है वो 15 to 75 है शायद मैक्सिमम ना, 15 feet to 75 feet। हाँ जी सही, एक और अच्छी चीज जो देखने को मिली है कि सबने फीट में दिया है, किसी ने मीटर तो सेंटीमीटर में कुछ नहीं बोला है। हाँ जी पवन जी, तो इसका थोड़ा रीजनिंग के बारे में बात करें कि कैसे आपने ये सोचा है कि 15 फीट होगा, किसी ने 15 फीट सोचा है, किसी ने 75 फीट तक भी सोचा है, और जो एवरेज लग रहा है वो 45 टू 50 फीट के बीच में काफी ज्यादा लोगों का है। तो अभी एक आया है 24 to 27 मीटर। Okay, maybe we can have a discussion around that, Bhavan. Yes, sir. जी. तो थोड़ा discuss कर सकते हैं हम इसको. तो एक तो सबसे कम था बोला था किसी ने 15 feet. तो सबसे पहले उनसे ही शुरू कर लेते हैं. आप लोग please responses जिसने भी लिखे हैं आप उस पे respond कीजिए please. Let's take this discussion. आपने किस तरीके से सोचा है कि 15 फीट जो आपने बोला है? हेलो जी, यस भवन, वी कैन हियर यू। या कुलदीप कुछ बोल रहा था। जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैंने जो एस्टिमेट किया है ये था कि नीचे कुछ 3 लोग खड़े हुए हैं वहां पे, और उनकी एवरेज हाइट मुझे लग रही है 5 to 6 फीट उनकी एवरेज हाइट लग रही है, और उस हिसाब से अगर मैं उनको देखूं और पूरे रेशियो को देखूं ट्री के, तो लगभग ऐसे 8 to 9 to 10 आदमी ऐसे आ सकते हैं 5 to 6 फुट वाले, तो उसके हिसाब से 45 to 50 मतलब फीट का राउंड इसकी लंबाई लग रही है सर। ठीक, तो कुलदीप सर बोल रहे हैं कि जो नीचे लोग खड़े हैं उनको एज अ यूनिट उन्होंने सोचा है, और सर कुलदीप सर जी जी, तो उनको कैसे आपने फिर यूज किया उसका थोड़ा बोल सकते हैं कि ऊपर रख रख के देखा जाए, कुछ और तरीके से सोचा है उनका रेशो एवरेज? नहीं, ऊपर रख रख के तो नहीं, मतलब एक थोड़ा सा एक अंदाजा लिया कि अगर ये जो व्यक्ति खड़े हैं ये इतने से दिख रहे हैं तो हाँ, मतलब वही एक इसकी लंबाई के अनुपात में उसको सोचा मैंने कि कितना हो सकता है जी। तो उन्होंने नीचे खड़े पर्सन को तो एवरेज हाइट उनका अराउंड 6 फीट के अराउंड, 5.5 फीट के अराउंड लेके, तो उसको यूज किया है उन्होंने शायद उनका हाइट पिलकन के ट्री का हाइट मेजर करने के लिए। कुछ और किसी ने इस्तेमाल किया हो ऐसे ही, कोई और रीजनिंग करना चाहते हैं? भवन जी, मेरा जो मैंने इसको मेजरमेंट किया था, सादिक बोला था जी,
उसको मैंने लिखा था कि पिलकन का पेड़ आपने वहाँ इंडिकेट किया है, तो पिलकन का पेड़ एक्चुअल मेरे पास है। ओके सर। का बहुत बड़ा हाइट होता नहीं है, ये 70-75 फीट का पेड़ कभी मैंने नहीं देखा है। 25-30 फीट का पेड़ तो है। मैंने दूसरे एंगल से इसको मेजर किया था कि हो सकता है इसका हाइट जो है इतना ही होगा। अगर आप सफेदा का पेड़ लेते या किसी आम का पेड़ लेते तो उसका हाइट बहुत होता है, पिलकन का पेड़ इतना हाइट का नहीं होता। तो सादिक सर ने अपने घर के पास के पिलकन के ट्री को यूज किया है उसका हाइट देखने के लिए कि लगभग इतना होता है, तो शायद इसका भी इतना होगा। तो वो उनका पैमाना वो है कि उनके घर के पास का पेड़ का। इसके अलावा किसी का और कोई रीजनिंग है इसको लेकर? हाँ, मेरा एक था, तो मैं देख रहा हूँ इसके आसपास के जो पेड़ हैं वो छोटे दिख रहे हैं, तो अमूमन जो छोटे पेड़ हैं उनकी भी जो हाइट है वो 25 से 30 फीट के आसपास रहती है। और अगर इस पेड़ को देखें तो बाकी पेड़ों से बहुत ज्यादा हाइट पे दिख रहा है, तो इस हिसाब से अंदाज लगाया कि ये लगभग 72-75 फीट के आसपास होगा। ओके सर। तो सर ने यूज किए आसपास के पेड़, तो जो बैक साइड में उसके आसपास पेड़ हैं, तो वो भी देख के सर ने यूज किया है कि ऑलमोस्ट उनका 25 से 30 फीट हो सकता है हाइट होता है, लेकिन ये उनसे काफी बड़ा लग रहा है, तो ऑलमोस्ट 75 फीट होगा। तो किसी ने और कुछ यूज किया हो इसके लिए? जी सर जी, हाँ, तो मैंने एक कागज यूनिट को यूज किया था, इससे आगे माप किया उस व्यक्ति का, तो इतना या इसका मैंने 5 फीट एक एवरेज हाइट रखा था, और इससे इस स्किन को नापते गया ऊपर कितने ही आ रहे हैं, तो 7 टाइम्स आ रहे थे, तो 7×35 मैंने 35 फीट उसको मेजर करके अप्रॉक्स माने लगभग लाने की कोशिश किया। तो राहुल सर ने एक यूनिट अपना यूनिट लिया है जिसमें उसने पर्सन के साथ उसको एक पेपर या पेपर ही लग रहा है मुझे देखने में, तो उस पेपर को यूज किया है और ऊपर ऊपर रख के देखा है कि कितना पेपर आ रहा है, तो वो यूज करके राहुल सर ने उसका पता किया है। किसी ने कुछ और तरीके का रीजनिंग हो जो आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी, इसमें बवन जी, ये जो देखेगा सामने इसके एक प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। अस्कर जी बोल रहे थे, अस्कर बोल रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, इसके अगर सामने हम लोग देखें तो मकान दिख रहा है एक, और मकान की अगर मिनिमम हाइट देखें तो 10 से 12 फीट होती है, तो इसी हिसाब से लेके हमने 42-60। एक तो ये मेरा आइडिया था, दूसरा मैं सादिक भाई के उस पर थोड़ा सा बताऊंगा, तो पिलकन के पेड़ की हाइट जरूरी नहीं है कम रहे, पिलकन के पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा होती है और लगभग अराउंड 50 प्लस ही होती है। जी, तो जैसे अस्कर सर ने बोला है कि उन्होंने पीछे के जो घर हैं तो एवरेज हर जगह पे नियर अबाउट 10 से 12 फीट की हाइट पे लोग छत बनाते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया है, तो अलग अलग पैमाने सबने इस्तेमाल करके उसकी हाइट को फाइंड करने का कोशिश किया है। कोई और रीजनिंग हम एक और ले सकते हैं फिर हम शायद आगे बढ़ेंगे, तो कोई और रीजनिंग देना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं इसमें? हाँ जी भवन जी, इसमें एक पुरानी पद्धति का मैंने इसमें इस्तेमाल करके इसका सोचा हाइट कि यहाँ पे जैसे अगर कोई ये जो खड़े हैं तीन व्यक्ति, तो अगर एक व्यक्ति इससे थोड़ा सा दूर जाए और वो सीधा खड़ा होके अपने घुटनों के मतलब घुटनों को बिना मोड़े अगर वो नीचे झुके पीछे से इस पेड़ की जितनी हाइट देखेगा, अगर इसकी चोटी उस दिख जाएगी तो ये उतने ही अगर कदम नापो यानी कि उतना ही फिट नापो तो उस पेड़ की उतनी ही अप्रोक्सीमेट हाइट होती है। जी, दिनेश एक बार फिर से रिपीट कर दो आप। दिनेश सर एक बार इसको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें ये होता है कि जब हम बच्चों को या किसी चीज की ऐसी हाइट नापते हैं, हम उसकी हाइट या सीढ़ी से नहीं नाप पाते, तो जो उस पेड़ का जो मतलब
शुरुआत है नीचे से, मतलब जड़ से, तो उससे बच्चे को या खुद उतनी ही दूर जाते रहो और थोड़ा नीचे हमें झुकना है बिना घुटने मोड़े और पीछे ऐसे करके दिखना है। अगर हमें नीचे से उस पेड़ की जो चोटी है हाइट, अगर वो जितनी दूर जाने के बाद दिखेगी तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से वहां तक जितना नापेंगे वो फिट में होगा, वो अप्रोक्सीमेट उसी पेड़ की हाइट होती है। ओके, तो पेड़ की जड़ से पीछे की तरफ जाते जाना है, जब आपको पेड़ की चोटी दिखाई देना शुरू हुई तब लगभग कितने कदम आप चले? हाँ, बिना मतलब घुटने मोड़े आपको नीचे झुक के ऐसे देखना है पीछे की तरफ। जी जी जी, ठीक है, बैंड होगी। ओके, तो इनके अलावा किसी को और कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर हम आगे चलें? इस प्रॉब्लम में हम ये एक मैथ्स की प्रॉब्लम है, ये शायद हमारा पुराना टाइप की टेक्स्ट बुक में नहीं देखते है। इसमें हर बच्चे का सोचने का जगह होता है और ये प्रॉब्लम हर बच्चे चर्चा करने के लिए एक जगह होता है। और इसमें हम कुछ नहीं बोल रहे कि जो आपने जो व्यक्ति को ढूंढा, बच्चे भी ऐसे ही किया था, ये हमने बच्चों के साथ किया था, क्लास इतनी इंटरेस्टिंग था, हर बच्चे पहले इस पेड़ के बारे में बोला, फिर पीपल के पेड़ के बारे में बोला, पेड़ की हाइट के बारे में इतना चर्चा हुआ, उसके बाद बच्चे हमेशा जहां भी जाते हैं पेड़ देखता है और पेड़ का हाइट के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं। और इसमें ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें एक करेक्ट आंसर ऐसे कोई आंसर नहीं है, सिंपली थिंकिंग है। एंड जैसे किसी ने जो बताया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पीछे दीवार है वो दीवार को क्राइटेरिया बना दिया, किसी ने अपने घर में जो पहले देखा था उसको क्राइटेरिया बना दिया, सो किसी ने वो जो बगल वाला पेड़ का हाइट का बारे में अंदाजा लगा के, सो एस्टिमेटिंग, एबिलिटी टू एस्टिमेट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन टुमारोस वर्ल्ड। आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। करेक्ट कैलकुलेशंस मे बी कैलकुलेटर विल डू, मे बी कंप्यूटर विल डू, बट चिल्ड्रन ऑल्सो शुड बी एबल टू डू, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बट एबिलिटी टू एस्टिमेट द डिस्टेंस, टाइम, height, length, area, space, this is such a important skill in mathematics, important mathematical skill every children should appropriate through this kind of open-ended diverse experiences. Try this with children, you can see a very engaging, you know, interesting classroom situation where children respond. There is no fear at all. You know, the most important thing in learning we need to understand is that learning is possible only if the environment is fear-free. And these kind of questions and these kind of discussions, definitely we have to complete the syllabus. We have to make it sure that certain skills are there, which we should be doing. But how to move towards that is something which we have to discuss. Bhavanjit, next question. Maybe we will take move little faster. इसके बारे में थोड़ा कुछ और बात कर सकते हैं शाह जी? Please add. जी, तो जैसे ये अभी ओपन एंडेड क्वेश्चन था, तो आप लोग अलग अलग चीजों का रीजनिंग के साथ, सबका रीजन है, किसी ने ऐसे ही एस्टिमेट शायद नहीं किया के जवाब देना था तो कुछ भी बोल दिया, तो सबने एक रीजनिंग के साथ उसका जवाब देने की कोशिश की है। सबका अलग अलग भी हो सकता है, बहुत लोगों का एक भी हो सकता है, और हम अगर हमारे पास रेंज भी देखें तो 15 फीट टू 75 फीट का रेंज आया है। बट अगर इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से रखते, जैसे अगर मैं बोलता जो उसके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ पर्सन है उसका हाइट 6 फीट है और ये जो पेड़ है उसकी हाइट से 8 गुना लंबा है, इसकी हाइट 8 गुना ज्यादा है, तो आप पेड़ की हाइट, इस ट्री की हाइट पता कर सकते हैं, तो शायद फिर हम कैसे जवाब देते?
कैलकुलेशन करके फिर कैलकुलेशन में आ जाता वो. क्योंकि फिर यदि हमें मतलब थोड़ा सा पता चल जाता कि ये 6 feet है और फिर हमें 8 times करना है तो फिर हम वहाँ कैलकुलेशन पे चले जाते और जनरली फिर देखते नहीं इस चीज को जो देखा अभी. तो जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया था पहले तरीके में, उस तरीके से इसको हम कभी खोल के देखते ही नहीं. बस दो नंबर्स जो हमें मिले थे कि एक तो 8 times और एक उसका हाइट 6 feet है, बस वो दो नंबर है तो मुझे 8 times 6 करना है और उसका मुझे आंसर शायद मिल जाएगा. तो आंसर सही आता है उसमें, बट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना, खोल के देखना उसको, वो हमने भी नहीं देखा और शायद बच्चा भी नहीं देखेगा. तो जो शाजी बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग, Bhavanjit, we need to move. The time is 12:20. जी ठीक है, तो मैं next problem पे जा रहा हूँ अभी. Yeah. तो इसमें Bhavan being a maths person more than this thing, so he will not stop until he talk about reasoning and numbers. Yeah. Thank you, Bhavan. I'm so sorry. जी. I think yeah. Right. तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा देख लें हम. दिस ईयर व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू विजिट ए फार्म दे फाउंड दैट द फार्मर वाज वेरी हैप्पी. ही टोल्ड देम दैट ही हैड ट्राइड आउट न्यू सीड्स एंड ही गॉट 975 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट फ्रॉम हिज प्लॉट ऑफ लैंड. This was actually 350 kilograms more than what he had got from the same plot last year. How many kilograms of wheat do you think he got last year? तो सवाल सबको समझ में आ गया. तो ये इसको थोड़ा हिंदी में मैं बोल देता हूँ कि इस साल जब बच्चे एक फार्म में विजिट करने गए तो उन्होंने देखा कि वहां का जो फार्मर है वो काफी खुश थे. तो उन्होंने बताया कि इस साल उसके खेत में 975 केजी वीट हुआ है उसी प्लॉट से जिससे जो 350 किलोग्राम ज्यादा है पिछले साल से. तो अभी आपको क्या लग रहा है उसके प्लॉट में पिछले साल कितना वीट हुआ था, कितना गेहूं हुआ था? या जवाब तो आ चुका है, सेम जवाब है. काफी सारे जवाब आ रहे हैं. आई थिंक या Bhavanjit, हम इस जवाब में फोकस नहीं करेंगे. इसमें सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट हम स्पेंड करेंगे. वी विल गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट इसमें हम एक जो पॉइंट रखना चाहता था वो मैं 30 seconds में बोल के वी विल गेट स्किप टू द नेक्स्ट सेशन. ओके Bhavan, सिर्फ इतना ही है. एक है, एक ये अर्बन बच्चे के लिए लिखा है लेकिन उससे बेहतर है कि ये गांव में नॉर्मल चीजें हैं कि खेती कितने मिलते हैं, उसकी भाव कितने होते हैं, है ना, वो जो एस्पेक्ट में लेके आ सकता है. और देखो इस साल में किसान काफी खुश है तो वो खुशी से एक माहौल से शुरू करते हैं. पिछले साल से ज्यादा मिला, क्यों ज्यादा मिला, बारिश के वजह से मिला या उन्होंने ज्यादा मेहनत किया, चर्चा का बहुत सारे स्कोप है. बच्चे बोलना चाहिए अपने अनुभव से जुड़ के हर एक चीज. बच्चे सिर्फ गेहूं की बात नहीं करेगा, बच्चे सब्जी का भी बात करेगा, बच्चे बहुत सारी चीजें बात करेगा. तो हम बोलते हैं कि ये मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद science, language, you know, culture, many things, you know, it's not that something called 34 plus 48, that is mathematics. I don't know, that happens. Actually, हम पूछते हैं ना 34 plus 68 कितना है? दुनिया में कौन 34 को देखा है? हम बच्चों को पूछ के डरा रहे, 34 एक चीज दुनिया में है ही नहीं. So 34 is a very abstract idea, you know, but we need to really bring that abstract idea from real experiences. So these are some examples which we are sharing.
which now if we are doing mathematics in southern region, we have to calculate, we have to do rice cultivation. If it is eastern regions, we should be doing something else. If it is western region, we should be doing something else. If it is in Sikkim, we will be doing completely different thing. So what I'm trying to say is that drawing examples from their agricultural life, village life, is very important. Maybe I think here addition, subtraction, multiplication, that is not the issue. Issue is that whatever operations you are doing, it should be genuine, authentic, and rooted in their real living. That's the point. Thank you. Bhavan, we'll get into the next Shaji, one. Just one and second, I will add. Shaji, you have a very important point. Bola hai. In fact, ye just ek hai pure iska. Agar aap please isko, if you can please repeat this entire thing in Hindi, it will be really nice. Bhavan, can you help? Or? Nahin, main sirf shayad, mujhe lagta hai ki ye session ki last mein ye zarur nikal ke aa jayega. हम देखो जोड़ो ज्ञान सच बता रहा हूं कि कभी कभी हमको लगता है कि हम ऐसे लोग सोचते हैं कि ये टीएलएम की दुनिया है. टीएलएम एक छोटा सा ब्रिजिंग हिस्सा है, वो हम बाद में आएगा तब मैं बात करने के लिए सोच रहा था. मुझे याद नहीं मैंने अभी क्या बोला था. भवन, कैन यू प्लीज बाद में कीजिएगा. बेसिकली आप शाहजी ये बोल रहे थे कि आप अपने लोकेशन के हिसाब से, आप ईस्ट में है, वेस्ट में है, सिक्किम में, अपने लोकेशन के हिसाब से एग्जांपल्स लीजिए. आप वही एग्जांपल्स लीजिए जो इस उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एप्ट हो, उन्हीं के खेती से, उन्हीं के लोकल कॉन्टेक्स्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल्स लीजिए, ताकि बच्चे रिलेट कर सके और जल्दी समझ सके. बिल्कुल. उधर का गाय कितने दूध देते है, एक महीने में कितनी दूध मिलता है, दूध की भाव कितने होते हैं, है ना, चावल की भाव कितने होते हैं, हमारा घर में एक महीने में कितनी गेहूं का आटा खर्चा करते हैं, हमारा घर में एक महीने में कितनी तेल खर्चा होता है, ये ना, ये सारी चीजें. जैसे मैंने आज बात करने के लिए सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भवन मुझे टाइम देंगे, लेकिन आज मैंने चाय पत्ती का एक पैकेट लेके आया. अभी बच्चों से बोल पूछूंगा मैं, देखो इसका एक्सपायरी डेट ये है. ये एक्चुअली इधर मेरे कमरे में था, मेरा मामा ने रखे गया था. तो मैं बच्चों से पूछूंगा कि देखो अभी ये कितने दिन और मुझे इस्तेमाल कर सकता है. ये बहुत सरल चीजें हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैथ्स. तो अभी आप बच्चों को कैलेंडर पढ़ा के बोर होके क्या फायदा है? कैलेंडर पढ़ा पढ़ा के बच्चे को बोर हो जाता है, घड़ी पढ़ा पढ़ा के बच्चे को बोर हो जाते हैं. लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं. मैंने जब ये किया था, क्या हो गया कि बच्चे सारे वापस घर में जाके हर चीज का एक्सपायरी डेट चेक करना शुरू कर दिया और फिर कैलकुलेशन शुरू कर दिया. मैंने सिर्फ ये मानना है साथियों, लर्निंग जो होता है ना, वो जब बच्चे मोटिवेटेड होता है तब लर्निंग होता है. टीचर का एक ही काम है, बच्चे को मोटिवेट करो सीखने का, और वो मोटिवेशन करने लायक प्रॉब्लम लेके आओ. ये अनिदा सब्जी खरीदने से कोई बच्चे मोटिवेट नहीं होते, उनकी जिंदगी से जुड़े खेती, व्यापार, छोटा लघु उद्योग भी है ना. देखो शुगर केन है, तो शुगर केन इंडस्ट्री से जुड़ के बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आ सकता है. सो मेरा ये मानना है कि अपनी अपनी रीजन जो जगह है, उधर की एग्रीकल्चर, उधर की ट्रेड, उधर की जो इंडस्ट्री, उधर की जो कल्चर है, जो उससे जुड़ के, जैसे आप कैलेंडर सिखा रहे हैं तो उधर के लोकल त्योहार होगा, वो त्योहार से जुड़ के हम बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम बनाना चाहिए. गर्मी है, गर्मी के मौसम में हम जो मिलता है, जो खन्ने का जूस मिलता है, नींबू पानी मिलता है, इसके बारे में बातचीत करना चाहिए. शायद भवन अभी बात करने वाला है. लड्डू, देखो वर्ड प्रॉब्लम में लड्डू आना चाहिए, जिलेबी आना चाहिए, मीठे मीठी चीजें आना चाहिए, आम. देखो अभी गर्मी का मौसम है, पूरा आम के बारे में बातचीत होना चाहिए, क्या क्या अलग तरीके के आम है और एक पेड़ में से कितनी आम मिल रहे होगा, हम हमारा सब्जी मंडी में कितने आम बेचते होगा, एक दिन में हम कितने, यू नो, आम से जुड़ के बहुत सारे सवाल आ जाता है.
आम की भाव कितना है, किसी आज सुबह बोला था करेंसी से जब जुड़ता है बच्चे अनोखी तरीके से जुड़ देता है. तो आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मैथमेटिक्स शुड कम फ्रॉम रियल लाइफ. रियल लाइफ से ही मैथ्स की जन्म हुआ है, वही अनुभव हम बच्चों को भी देना है. कोई पाइथागोरस सर पे हाथ लगा के सोच के मैथमेटिक्स नहीं बनाया, कोई आर्यभट्ट ने ऐसे सोच सोच के मैथमेटिक्स नहीं बनाया. व्यापारी लोग, खेत मजदूर, किसान, ये लोग गिन गिन के मैथमेटिक्स बनाया. वही अनुभव हम बच्चों को देना है. सरल रूप में इतना ही है. मालूम नहीं भवन को गुस्साने का पूरा संभावना है क्योंकि उनका स्लाइड्स बाकी काफी पड़ा है. भवन, वी हैव टू रन वेरी लिटिल फास्टर. थैंक यू. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जल्दी से उसे देखेंगे. तो आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं पहले सवाल और दूसरे सवाल में और जो आने वाला है उसमें भी. तो ये अलग अलग सवालों का भी डिफरेंस है. तो इसमें भी शायद नंबर दिया गया है लेकिन आपको ये इसको सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं या एडिशन के साथ भी कर सकते हैं. कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके साथ आप कर सकते हैं. इतना ही बोलना है मुझे, बाकी शाह जी ने बोला है ऑलरेडी. तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं. तो ये सवाल है, फोर ऑफ द चिक्स आर हाइडिंग बिहाइंड द स्टोन, हाउ मेनी चिक्स डज द हेन हैव इन टोटल. आंसर तो ऑब्वियस है, वी आर नॉट लुकिंग एट द आंसर ना. तो अभी आंसर नहीं देख रहे हैं. तो आप सवाल थोड़ा देख सकते हैं किस तरीके से सवाल है. या मे बी आई थिंक किसी ने ये सवाल उनको कैसे लगा ऐसे बोलना चाहिए ना भवन के बारे में. जी जी yeah. अभी आंसर को छोड़ के थोड़ा सवाल के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. कोई इस सवाल के बारे में बोलना चाहते हैं कि किस तरीके से ये सवाल उन्हें लगा सवाल. है पिक्चर है, पिक्चर है इसका ब्यूटी. एक्चुअल सवाल नहीं है, पिक्चर है सारा. हाँ जी, कोई बोलना चाहेगा सवाल के बारे में, इस पिक्चर के बारे में. हाँ जी, इसमें है ना सवाल थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं हो रहा है. फोर चिक्स बिहाइंड मतलब पीछे हैं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि उस हेन के ही हैं. अच्छा, ओके, ठीक है. हम ऐड भी कर सकते हैं सर. इसमें जो है डायरेक्टली कैलकुलेशन पे फोकस किया गया है ज्यादा. ओके, और इसमें नंबर्स दे रखे हैं. ओके, एक चीज और ये है सर इसमें कि जो क्वेश्चन है और जो पिक्चर है दोनों एक दूसरे का मतलब वो पूरक है. अगर पिक्चर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं हो कर पाएंगे. ओके सर, इसमें एक और चीज है कि बच्चा जब पिक्चर देखता है तो वो सामने सामने चिक्स को मतलब काउंट करने की कोशिश करेगा. या सामने जो उसके पास है वो तो वो काउंट करेगा और जो बोर्ड लिखा है वो कहीं ना कहीं या तो दिमाग में कैलकुलेशन करेगा या फिंगर्स पे काउंट करने की कोशिश करेगा. तो ये है इसमें. हाँ, एडिंग टू दैट कि वो उसकी इमेजिनेशन पावर को भी थोड़ा इनहेंस करेगी कि वो चार चिक्स वो पत्थर के पीछे इमेजिन करने की कोशिश करेगा कि वो चार चिक्स उधर हो सकते हैं करके. जैसे ये भी एक है कि ये पूरा हाँ, वो बच्चा जो है पूरा सवाल को पिक्चराइज करेगा अपने दिमाग में और विजुअलाइज खुद कर लेगा कि कितना है. अपने आप उसका दिमाग में आंसर और ये सारा चीज चलता रहेगा, विजुअलाइज हो जाएगा. एक सर इसमें ये भी है कि जो बच्चा काउंट करना शुरू करेगा तो वो चार से आगे काउंट करेगा कि चार तो उसके पीछे है, पांच छह सात ऐसे काउंट करेगा वो. तो जी जो करके पता करेंगे कि चार तो है ऑलरेडी. शायद जब सवाल मैं पढ़ रहा था तो आपके भी बहुत लोगों के दिमाग में चार जो चूजे हैं वो उसके पीछे बहुतों को दिखाई भी दिए होंगे कि हाँ उसके पीछे हैं ऐसे करके होंगे, ऐसे ही चूजे होंगे. तो ये तीन और है, चार पांच छह और सात. तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्योंकि इलस्ट्रेशन है तो इलस्ट्रेशन अपने आप उस सवाल के बारे में काफी बात कर रहा है ना.
मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे भवन ने बोला काउंट डाउन करते हैं, विजुअल मेंटल विजुअल मॉडल्स, विजुअल मेंटल मॉडल्स होना कितना जरूरी है एजुकेशन. पुराना जमाने में पूरा नंबर लिखते थे, वर्ड्स लिखते थे. अभी विजुअलाइजेशन इज बिकमिंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So we are going to focus on that. Maybe Bhavanjit will get into it. So please, somebody is talking. Can you please put the mic on mute? Yes, please. Please थोड़ा सा अपना check कर लीजिएगा. अगर unmute पे है तो उसको mute कर दीजिए. Background से sound आता है. Yeah. Okay. Right. Please carry on. जी. तो अभी जैसे पहले का सवाल था उसी के रिलेटेड एक और सवाल है, जिसमें आई सॉ अ ट्रक लाइक दिस, आई वाज जस्ट वंडरिंग हाउ मेनी व्हील्स डज इट हैव. तो क्या लगता है इस ट्रक के कितने टायर हैं, कितने व्हील्स हैं? 11 हमको 10 और 11 दो जवाब मिल रहे हैं. 11 है जी. अभी भी हम भाग रहे हैं आंसर की ओर. आंसर छोड़ दीजिए आप, आंसर छोड़ दीजिए अभी. 10 और 11 चीज. इसमें एक चीज है बमंदी, जब ये ट्रक को बच्चे देखेंगे तो सबसे पहले उनके दिमाग में पैटर्न दौड़ेगा, एक पैटर्न पर अपने आप आ जाएगा कि यहाँ पे दो है तो डेफिनेटली वहां पे भी दो होगा और पीछे भी दो है तो डेफिनेटली वहां पे दो ही होगा. तो एक पैटर्न पकड़ लेंगे पूरा कि आगे एक एक है, पीछे दो दो है तो वहां पे दो होगा. दो उसी हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे चार है तो उस तरफ भी चार होगा, तो होना चाहिए एक्चुअली. ऑलराइट. जैसे आगे में मतलब चक्के हैं, दो दो नजर आ रहे हैं पीछे साइड से, वैसे ही उस साइड भी अज्यूम करेंगे कि उस साइड से भी दो होंगे, दो दो होंगे और आगे में एक है तो उस साइड भी आगे एक होंगे. टोटल 10 होंगे और एक ऐसा है जो मतलब रोड से कनेक्टेड नहीं है, ऊपर में लगा हुआ है, तो मिला के 11. ओके ओके. तो इसमें भी काफी अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने भी किया है कि इस साइड का ही टायर दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड का आप अज्यूम ही करके चलते हैं कि दूसरी साइड भी इतने ही होंगे, क्योंकि वो अज्यूम ऐसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैलेंसिंग अगर ट्रक को अगर देखेंगे तो अगर अलग तरीके से होगा तो वो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा. तो वो थॉट प्रोसेस बच्चे के मन में चलता है. तो अगर पीछे के टायर को भी देखें तो एक आगे वाले जो टायर है वो दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके पीछे का एक दिखाई दे रहा है, उसको भी शायद दो मान के ही चलते हैं. एक तो है कि इस साइड का गिने और दूसरी साइड उतना किया, तो डबलिंग वाला भी आ जाता है और काउंट वाला भी आ जाता है कि डबलिंग करके इतना हो गया. और फिर बाद में जो एक स्टेपनी लगा हुआ है इसमें जो कनेक्टेड नहीं है, तो उसकी वजह से आंसर का बदलाव भी आ रहा है कि 10 होगा या 11 होगा. तो शायद टायर तो 11 ही है इसमें, तो उस पे आंसर पे हम नहीं जा रहे हैं, तो कुछ 10 भी बोलेंगे, कुछ लोग 11 भी बोलेंगे. अब जी एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये ट्रक वाला सवाल है ये अपने आप बहुत ही क्यूरियोसिटी इंटरेस्टिंग वाला सवाल है. बच्चे को तो छोड़ दीजिए, मतलब अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम लोग जुड़े मतलब 29-30 साल की उम्र में आज भी हम लोग जब NH में जाते हैं मेन रोड में और कोई बड़ी सी ट्रक 40-50 वाला चक्के वाला जाता, हम भी अपने बाजू में कितना 80 लगभग 70 होंगे इसमें लगभग इतना साइड इतना दिखा तो वहां और हम गिनते रहते हैं 16-20-30 इतना चक्का है इसके अंदर. तो ये ट्रक वाला सवाल एक बुद्ध क्यूरियोसिटी वाला सवाल है ये अपने आप जी. तो हम भी अभी भी गिनते हैं कि ट्रक के इसके कितने टायर होंगे, तो फिर नेक्स्ट वाले के देख सकते हैं कितने. एक मिनट भवन एक पॉइंट में बोलना चाहता है, इस सवाल में नंबर लिखा ही नहीं है. हाँ जी, हाँ जी. और इसमें इमेजिनेशन थिंकिंग एंड कन्वर्सेशन तीन चीजें हैं. एक है आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मजबूर है आप, सोचना पड़ेगा मजबूर है आप, इतने इंटरेस्टिंग है कि आप बगल वाले व्यक्ति से बातचीत भी करना मजबूर है. So children will speak. So the point is that children are
चिल्ड्रन आर एंगेज्ड एंड इट इज वेरी वेरी ओपन एंडेड. टीचर को ये नहीं बोलते कि राइट रॉन्ग रेड इंक ग्रीन इंक, उसकी कोई जगह ही नहीं है. इट इज ऑल्सो नंबर, इट इज ऑल्सो मैथमेटिक्स, देर इज ए थिंकिंग, इट इज कनेक्टेड विद रियल लाइफ. एज समबडी सेड, जहां ट्रक्स नहीं देखते हैं बच्चे, शायद उस एरिया में ये रेलेवेंट भी नहीं है, लेकिन जहां होता है उधर बहुत रेलेवेंट भी है. I think that is the point. Yeah, Bhavan, move. We have. ये इसमें एक और चीज भी है सर कि अगर इसमें एक उनका एक प्रश्न अपने आप में क्वेश्चन आर्गुमेंट उनके अंदर होगा बच्चों में कि अगर वो एक पूछेंगे 11 तक के क्यों है कि ना इस तरफ एक व्हील दिख रहा है जो ग्राउंड से टच नहीं है वो एक्स्ट्रा व्हील है, हो सकता है वहां पे भी हो, लेकिन कोई एक बच्चा बोलेगा नहीं मैं ट्रक दिखता हूँ उस तरफ नहीं होता, एक ही तरफ लगता है वो चक्का लगता है जो झूला हुआ बाकी दूसरी तरफ नहीं होता है, तो जब नहीं कैसे देखा, मैंने दिखाई नहीं था, हो सकता है वहां पे भी एक व्हील हो तो बारह हो सकता है, तो अपना रियल लाइफ को जुड़ते हैं बोलो आर्गुमेंट करेंगे. राइट राइट, बच्चे पेड़, या फाइनली व्हाट वी आर सेइंग दैट बच्चे पेड़ नापेंगे, दे विल मेजर द ट्री, दे विल लुक एट मुर्गी को कितनी बच्चे हैं गिनना शुरू करेगा, ट्रक देखना शुरू करेगा, ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, दैट इज ऑल्सो ए पर्पस ऑफ टीचिंग. राइट, या नेक्स्ट वन वेरी फास्ट, सेम. तो जल्दी से बोल सकते हैं इसके बारे में, करेक्ट आंसर भी थोड़ा धीरे ही आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा. भवन इट्स स्लिपिंग, या वो सम आर गेटिंग 16, सम आर गेटिंग 14 इज राइट, या ओके 16 is common, eh, Bhavan? Yes. 15 bhi hai, 14 bhi hai. Abhi teacher to first jayega. Kaun sa correct answer, Bhavan? Abhi kya karenge aap? Yeah, we have to move. Bhavan. Ji. तो नेक्स्ट चले तो आप इसको देख सकते हैं. आप अगर फोटो खींचना चाहते हैं तो फोटो खींच लीजिए, ट्रक ढूंढिए ऐसा और उसके टायर पता कर सकते हैं. काफी आंसर 14 भी आ रहा है, आई थिंक इसका राइट आंसर देना चाहिए. सॉरी जी, 14 भी काफी लोग लिख रहे हैं, 14 और 16. See, there are questions whether it has 2-2-2-2-2-2, whether it is 3-3-2-2-2, whether it is 3-3-2-2-1. All are open-ended questions. इसका सही जवाब सब लोग खुद से ढूंढ सकते हैं, कोई वो नहीं है. Yeah, maybe we will look at the answer later. We'll move to the next. I am saying that questions that provoke thinking. You need engaging questions which will have an impact on their real living, you know, where they start observing more. Anyway, we will move faster, Bhavanji. Yeah. So, ek baar question padh deta hun. There are two jars of lemonade. Each jar has 21 teaspoons of sugar. Which jar would you prefer and why? जग वन है उसमें 7 ग्लासेस ऑफ लेमनेड है और जग टू है उसमें 3 ग्लासेस ऑफ लेमनेड. टेक 2 मिनट्स एंड थिंक. या प्रीति, आई वुड लाइक यूर कमेंट ऑल्सो. यस श्योर, इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीजनिंग ऑन दिस. आंसर के साथ रीजनिंग भी आप टाइप कर सकते हैं. आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. रीजनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली मैथमेटिक्स को आंसर से बचाना है. वी हैव टू सेव मैथ्स फ्रॉम आंसर, करेक्ट आंसर्स. एक्चुअली स्कूल टीचर्स आर ह्यूजली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इट इज द प्रोसेस व्हाट मैटर्स ना, जो सोचने का जो प्रक्रिया है, दैट इज व्हाट इज मैथ्स. इसमें एक सवाल अगर मन में आया तो पूछ सकते हैं क्या शाहजी? बिल्कुल.
तो जग वन में 7 ग्लासेस ऑफ लेमनेड है विद 21 टीस्पून ऑफ वाटर, जग टू में 3 ग्लासेस है, तो बाकी का है कि उसमें थी 3 ग्लासेस कि उसमें भी उसमें, और चार को ही पी गया है? नहीं नहीं, उसमें 3 ग्लासेस लेमनेड ही है। ठीक है, बने ही 3 ग्लासेस है। एक क्वेश्चन है। हाँ जी भवन। हेलो, बोलिए जी। यस, जस्ट वांटेड टू आस्क, ग्लास का साइज के बारे में कुछ है नहीं, तो ये क्या सेम साइज के ग्लास के 3 ग्लास और 7 ग्लास है या नहीं? सेम ग्लास है, अगर वो जोड़ भी सकता है। जग वन के लिए बोल सकता है जिन्होंने जग वन चूज किया है, और कोई जग टू किसी ने अभी तक चूज किया है? हाँ, कोई एक रत्ती सर ने जग टू चूज किया है, तो रत्ती सर आप जग टू के बारे में बोल सकते हैं कुछ, क्यों आपने उसको चूज करने की चूज किया है? जी सर, मैंने ये सोचा था जैसे जग टू में कम पानी है जी, तो मुझे ज्यादा शुगर से मीठा पसंद है, तो मुझे वो पानी लेना चाहिए। तो कोई एक जग वन के लिए बोल सकते हैं कि जिन्होंने जग वन यूज किया है? जग वन में सर, जग वन में जैसे सर हम लोग साइंस में पढ़े हैं, जो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, मुझे जॉगन में लगा कि सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, इसलिए लो कंसंट्रेशन है, तो उसको पीने से अच्छा होगा, ये थोड़ा अच्छा रहेगा कि ज्यादा ग्रेवी नहीं होगा उसमें, कंसंट्रेशन कम है, शुगर भी कम है, तो इसके हिसाब से मैंने जॉगन मतलब चूज किया जी। तो मीठा कम है तो जग वन चूज किया है, रत्ती सर को मीठा ज्यादा पसंद है तो उन्होंने जग टू चूज किया है। तो क्लास में भी शायद यही ऐसे ही जवाब कुछ कुछ आते हैं। और एक भी है भवन जी, और एक भी चीज है कि हम लोग अगर जग वन चूज करें तो हम लोग को ज्यादा पीना, मतलब ज्यादा पी पाएंगे हम लोग, 7 ग्लास मिलेगा, और ये रिस्पॉन्स शुभांगी मैम का भी है कि जग वन में चाहे चीनी कम होगी पर लेमनेड ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो वो भी है, तो दो चीजें हैं उसमें ही, राइट, के एक तो आप क्वांटिटी पर अगर जा रहे हैं तो क्वांटिटी के एस्पेक्ट से कुछ लोगों ने जगवन को चुना है, कुछ लोगों ने मीठे के हिसाब से अगर चुना है तो वो भी जगवन और जग टू, शायद बच्चे काफी बच्चे जग टू चुनते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है, 50-60% बच्चे जग टू चुनते हैं, 50% जग वन भी चुनते हैं, क्योंकि मीठा काफी मैटर करता है कभी कभी क्वांटिटी से ज्यादा के ज्यादा काम है पीने के लिए जी। नेक्स्ट वन, या मे बी वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन और भवन जी, मे बी वन आई वांटेड टू जस्ट टू से दैट इन मैथमेटिक्स द पॉइंट व्हिच आई थिंक वी आर मेकिंग इज दैट द प्रॉब्लम शुड बी इंटरेस्टिंग, engaging, and it should provoke thinking, and there should be scope for creativity and imagination. And सबसे important चीजें जो जोड़ो ज्ञान अभी 22 साल से यही कोशिश कर रहे कि सोचना एक आदत है, और ये वो जो आदत है बचपना में उसके विकास होता है, अगर बचपना में हम इस तरीके का थिंकिंग क्वेश्चन दे रहा है, चिल्ड्रन विल डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग, दैट्स वाई वी शुड डू रियली जस्टिस टू चाइल्डहुड, यू नो दैट्स वाई वी आर यू नो फोकसिंग मोर ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस इज नॉट कैलकुलेशन सेंटर्ड, दिस इज मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग सेंटर्ड, बट नंबर्स आर देयर, बट कैलकुलेशन इज देयर, बट दैट हैपन्स इन ए
very interesting context. I think that is the first point which we thought the segment mein. Shayad Bhavanjit, I think this is what we thought. You wanted to add something? तो इसमें जैसे शाह जी ने ऑलरेडी बोला है तो रास्ते ज्यादा मैटर करता है मंजिल पे पहुंचने से, क्या आप रास्ते, क्योंकि काफी अलग रास्ते भी हो सकते हैं उस मंजिल पर पहुंचने के, एक रास्ता ही नहीं होता है। तो इसी तरीके से उस शाम को सोल्यूशन तक भी पहुंचना है तो उसके लिए भी आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, बट वो तब होगा अगर आप उस चीज के बारे में सोच पा रहे हैं, उस सवाल को लेकर सोच पा रहे हैं। अगर आप थिंकिंग प्रोसेस उसके बारे में हाई है तो आप उसके अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन वेयर विच हैज ओनली वन आंसर। आई थिंक दैट्स द पॉइंट। देयर कैन बी चले अगले में चले। ये सारी बच्चे का अनुभव से निकाला हुआ एक्सपीरियंस है। बट या नाउ एक जो चीजें जो बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा कि वो ये है कि मैथमेटिक्स हर जगह पे है, शायद सही है, लेकिन हर जगह पे लोगों का मैथमेटिक्स नजर नहीं आता। मैथमेटिक्स की एक अमूर्तता का एक दुनिया भी है और हम बच्चों को ये मूर्त अनुभव की दुनिया से अमूर्तता का दुनिया में लेके जाना भी जरूरी। सो इट इज नॉट दैट चिल्ड्रन विल हैव ओनली एवरीडे मैथमेटिक्स। From everyday mathematics, they have to move to the world of abstractions. And that is one of the key purpose of teaching mathematics, that is children's ability to think in abstract. Yeah? So, abstract thinking facilitate karna, but abstract thinking ki jo rasta hai, that is a very different kind of rasta. One of the key aspects which we are trying to share here is there can be problems which we can solve in different ways. One of the biggest problem which I found when I visited IIMPACT schools is that multi-level, multi-grade classrooms. Kuch bachche ka umr hai 6 saal, kuch bachche ka hai 7 saal, kuch bachche ka hai 8 saal. Kya hum in bachchon ke liye aise problem develop kare? उसमें कुछ बच्चे क्लास वन की बच्चे सॉल्व करे, कुछ तरीके में क्लास टू के बच्चे सॉल्व करे, कुछ तरीके में क्लास थ्री का बच्चे सॉल्व करे। तो क्लास वन टू थ्री का तीनों बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेकिन तीनों अलग अलग रास्ते पे। तो ये एक सवाल है मल्टी ग्रेड टीचिंग की। तो इस पर एक सवाल जो भवनजीत रख रहा है, सो प्लीज लिसन टू भवनजीत सिंह। तो अभी आपको सवाल वैसे पढ़ लिया होगा सबने, आंसर आना भी शुरू हो गया है। तो कैन यू क्विकली फाइंड आउट हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द टाइल्स शोन बिलो। 418। ओके, एनी अदर आंसर्स? Bhavan, people are calculating. जी तो साथ में रीजनिंग अगर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो रीजनिंग भी टाइप कर दीजिए। 950। The question is that can you quickly find out how many triangle, वो triangle का size भी उधर दिखाया है। काफी 950 आ रहा है भवन, वी शुड फाइंड आउट। जी फ्रॉम हिमांशु स्कूल 190। तो जल्दी से एक बार हम इसका रीजनिंग के ऊपर ही चलते हैं।
बाकी थोड़ा कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हैं, बट साथ में सुनते रहिएगा रीजनिंग। तो 950 के लिए बोल सकते हैं कि 950 आपने कैसे सोचा है? पीछे सवाल है। यस सर। तो सबसे पहले एक बॉक्स में आगे ट्रायंगल को गिने कि कितने ही आ रहे हैं, तो एक बॉक्स में 8 आ रहे हैं। हाँ, 494 आ गया। सॉरी। तो 8 आ रहे हैं, तो टोटल नंबर कितना है बॉक्स का? तो 19 है। अगर इसको हम कॉलम में गिन रहे हैं तो 6 है, तो 19 गुने 6 प्लस 1 अगर ऊपर वाला अलग से हम गिन रहे हैं तो वो 19 आ रहा है, और 19 नीचे 30 है, तो अगर ये सबको जोड़ के फिर निकाल रहे हैं तो 950 आ रहा है। दोनों एंगल से एक बॉक्स में हमको ट्रायंगल को देखना होगा। तो एक बॉक्स में देखा है पहले, तो 8 आया है, 8 ट्रायंगल है जी। तो 8 कैसे हैं सर? तो आगे तो सीधा देखते हैं तो 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। हाँ जी। फिर अगर इसको आप बीच वाला, अगर दो कैसे एक्सप्लेन कर पाए आपको सर, वो थोड़ा मुश्किल आ रहा है। अगर वो बीच वाला को मर्ज करते हैं तो फिर ये एक ट्रायंगल बना रहा है आपस में। जी। और ऐसे दोनों तरफ से फिर बना रहा है एक एक ट्रायंगल, तो 4 और 2 6 हुए, तो स्क्वायर का डायगोनल बना रहा है ना, 4 ट्रायंगल। हाँ जी, ठीक है। तो 8 हो गए एक बॉक्स में, और एक लाइन में फिर कितने हैं? 19 है ऊपर और 19 नीचे, 19 ऊपर और 19 नीचे। हाँ, और 19 नीचे 38 हो गए। हाँ राइट, मैंने भी वैसे ही किया था। 38 वो हो गए, और ये बीच के बॉक्सेस वाले कितने हो गए? वो 6 है, कॉलम मतलब 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 19 गुने 6 गुने 8 जी, और खड़ी लाइन और पड़ी लाइन 19 में सर, ये सही है। तो सर का रीजनिंग तो पता चल गया 950 वालों का, शायद अगर इससे अलावा कुछ है 950 में तो आप वो बोल सकते हैं। मैं बोल दूं जी? अच्छा, साइड में, साइड में है 19 बॉक्सेस, ठीक है, एक एक बॉक्स में है 4 करके, और ऊपर नीचे करके टोटल 6, मतलब 6 बॉक्स है नीचे, ऊपर से नीचे तक, मतलब 19 गुण 6 मतलब 114, और 114 बॉक्स में 4 करके है मतलब 456, ठीक है, और ऊपर एकदम ऊपर है 19 ट्रायंगल्स, और एकदम नीचे है 19 ट्रायंगल्स, मतलब 38 और 456, 494 जी, 494 ऐसे। यस। किसी का और कुछ है इसमें? तो इसमें सबके लिए कुछ कुछ है कि अगर जैसे अगर देखेंगे तो स्क्वायर के अंदर 4 ट्रायंगल्स भी हैं। फॉर चिल्ड्रन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फॉर का बच्चे के लिए है ये। हाँ सर, यदि ये ट्रायंगल का साइज आप जो बता रहे हो ऊपर है, यदि उसी साइज को करें तो फिर 950 है। यदि ये साइज डिफर कर सकता है तो हम लोग दो बॉक्स को जोड़ करके भी एक ट्रायंगल निकाल सकते हैं, 4 बॉक्स को जोड़ के भी बहुत सारे ट्रायंगल निकाल सकते हैं, फिर तो अनलिमिटेड हो जाएगा। यदि साइज हम लोग चेंज करें तो फिर ये काउंटेबल काउंट करना बहुत आसानी से बहुत मुश्किल है। नहीं, वो इंटरेस्टिंग वो मेरा भी था, बट ओनली थिंग इज कि इट इज नॉट वेरी वेल, मतलब कि एक लाइट और एक डार्क ऐसा कुछ आ रहा था, तो आई डिडंट कंसीडर दैट एज अ ट्रायंगल, सो इसलिए सॉरी आई इंटरप्टेड, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मेरा भी 950 आ रहा था। ये अनलिमिटेड है सर। या मे बी we may have a workshop, so we will discuss the details in that workshop. Bhavan, maybe I think we can share some aspects of reasoning, right Bhavan? But yes, answer sir. Can we also need to respect the time, so what's the answer? Bhavan, please, over to you. So answer iska abhi tak 494 hai, agar hum grade 3 or 4 ke children ke hisab se soche. Answer, you have to find out. The main point is that we are not focusing on answer. The last 12 years we were doing this with children. तो अलग रीजन एक्चुअली जो हम पहले बात कर रहे थे कि शाहजी ने बोला था कि ऐसा प्रॉब्लम बनाना जो जिसमें हर बच्चे के लिए कुछ हो, हर लेवल के बच्चे के लिए कुछ हो, तो उस तरीके का प्रॉब्लम के रूप में इसको हम सोच रहे हैं
कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इसमें है, चाहे वो काउंट करके इसको हर ट्राइंगल को काउंट करके निकाल रहा है, डबल करके निकाल रहा है, मल्टीप्लाई करके निकाल रहा है, जैसे फोर टाइम्स किया, एक एक बॉक्स में फोर है तो उसका 19 है, एक रोप में 19 इंटू फोर करके फिर सिक्स टाइम्स किया, तो अलग अलग स्ट्रेटजीज और रीजनिंग के साथ इसको करने की कोशिश करते हैं, तो मेनली ये इसका आंसर उस तरीके से चेंज होता रहेगा वो। बट एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हर बच्चे के लिए, हर लेवल के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ उसमें दिया हुआ है जी। हम क्या करेंगे बवन, वी विल सेंड दिस टू एवरीवन एंड दे कैन वर्क इट आउट एंड देन दे कैन कम फॉर द वर्कशॉप वेयर वी कैन गेट इनटू द डिटेल्स, बट हियर वी आर यूजिंग दिस स्लाइड जस्ट टू मेक इट अ पॉइंट दैट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेड 4-5 चिल्ड्रन टू गिव प्रॉब्लम्स विच दे कैन सॉल्व इन डिफरेंट वेज बाई काउंटिंग एंड एडिंग, by counting and multiplying, by adding and multiplying, by only multiplying. All possibilities are open to a problem. So I think we will be sharing, which we already spoken with Preeti, that we will be sharing few videos and few worksheets. So we will be providing you the guidelines how to use these things. But here today's my point is this, that It is true that we draw mathematics from real life, everyday life. But we also have to deal with the world of mathematics, which is a world of abstractions, strategies, and many, many other aspects. Yeah, Bhavan. Right, others can comment on this. ये बच्चे का पर्सपेक्टिव में आप जरा देख लीजिए एंड प्लीज कमेंट ऑन दैट। तो आप अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं, पहले फर्स्ट फिगर के लिए ही कर सकते हैं, या बाकियों के बारे में हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा टाइम को देखते हुए प्लीज, सिर्फ फर्स्ट फिगर को कंसीडर करते हुए आप टाइप कर सकते हैं। मैक्सिमम 1/4 है तो कोई फाइन, बट आई थिंक आंसर इज आल्सो नॉट फाइन। क्या रीजनिंग, क्या कोई रीजनिंग बोल सकता है इसके लिए? जिन्होंने पहले नहीं बोला है वो बोल सकते हैं अभी। 1/4 that last answer is correct, but in between I think went wrong. अंजू श्रीवास्तव जी बोलना चाहेंगी क्या, अगर आप इसमें कुछ अपने आंसर के साथ रीजनिंग देना चाहते हैं? तो बोल सकते हैं कोई जल्दी से? मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, दो जो इसमें देख रहे हैं हम, ये दोनों जो बने हुए अंदर ट्रायंगल जो बने हुए हैं, तो ये जो डार्क ब्लैक वो बने हुए हम सीधे देख रहे हैं, तो ये लगभग मिड में से आधा इधर मिड है, आधा इधर है, आधा इधर मिड में से है, इधर मिड के आधा इधर इस तरफ है, मिड के आधा इस तरफ है, और फिर हम उसको भी देखते हैं कि जो दूसरी लाइन भी है जिसकी, वो भी मिड में से, तो बहुत बराबर पार्ट में वो बांट रही है दोनों ट्राइंगल्स, तो वो जो बांट रही है हम देख रहे हैं कि वो आधा उसको, आधे पार्ट को ढक रहा है, 1/4 के आधे पार्ट को ढक रहा है आधा पार्ट, और सेकेंड को उसके साथ रख दिया जाए तो वो 1/4 के इक्वल हो जाएगा। All right. जी, किसी ने कोई और तरीके से सोचा है इसको? जो फर्स्ट स्क्वायर में जो दो ट्रायंगल्स हैं, अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला के देखें
तो ये 1/4 एरिया कवर कर रहा है इस पूरे रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर का. सेकंड पार्ट पर चलें. जी 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 या आई थिंक ट्रू. सेकंड पार्ट के बारे में थोड़ा बोल सकते हैं कोई? जी सर, सेकंड पार्ट के बारे में ये है कि इसमें हम देख रहे हैं कि चार बॉक्स बड़े बड़े बने हुए हैं और एक बॉक्स जो है आधा डार्क किया हुआ है ऊपर का. तो 1/4 में से भी एक को बॉक्स जो है उसको आधा कर रखा है, मतलब टोटल ऐसे देखें तो 8 बॉक्स हो जाएंगे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/8 इसका आंसर है. जी, इसमें 1/8 नहीं होगा, 2/8 होगा. एक्चुअल में 1/4 ही है पर 2/8 होगा क्योंकि एक बॉक्स में दो भाग है. तो वैसे 8 बॉक्स है, वैसे भाग करेंगे तो 8 बॉक्स है, तो 2/8. ओ ओके, नहीं इसमें ये होगा, ये 1/8 होगा शायद. कि और टोटल 2/8 सॉरी 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 1/8 होगा, 2/8 नहीं होगा, 1/8 टोटल बॉक्स के हिसाब से देखेंगे तो एक हां हां 1/8 है, 2/8 नहीं होगा. हां ओके Matipuraman. All right. 1/4, 1/8, 1/16. Yeah. So, Bhavan, it is almost 1 o'clock. Jee. Right. So maybe I think we will conclude the discussion here and then we'll take up some questions. Isn't it so? Bhavanji? Yes, sir. Yes, sir. So, इसको रोक सकते हैं. Add something? नहीं नहीं नहीं. इसको रोक सकते हैं अभी. Yeah. Maybe I think I will add one point. हम भिन्न संज्ञा पढ़ाने का जो प्रक्रिया है वो पापड़ से भी शुरू कर सकता है, आलू परोठा से भी शुरू कर सकता है, रोटी को भी हम हिस्से में बांट सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बच्चे की आम दुनिया की अनुभव में आधा होता है, एक तिहाई होता है, एक चौदह होता है, ये सब ठीक ठाक है. लेकिन उधर से जो कॉन्सेप्ट आने के बाद ये 1/16 तक जाने का जो रीजनिंग पे लेके जाना, आई थिंक दैट इज व्हाट इज टीचिंग इज ऑल अबाउट. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू मेक, मे बी आई थिंक दैट इज द पॉइंट विच आई थॉट टुडे इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस टुडे सेशन, दैट हम बच्चों को जिंदगी से जुड़ के सिखा सकता है. बहुत सारी चीजें हम बच्चों को अपने अनुभव से जुड़ के दुनिया से जुड़ के सिखा सकता है. बहुत सारी चीजें बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके भी सीख सकता है, लेकिन बच्चे खुद एक्सपीरियंस करके सीखने का एक लिमिटेशन होता है. हम इंसान करीब 10,000 सालों में हासिल किया हुआ सारी जो वैज्ञानिक और गणित की समझ बच्चे को खुद डिस्कवर नहीं कर सकते. वो डिस्कवर करने का प्रक्रिया हम अलग सा होता है. तो इसीलिए अनुभव से सीखते हुए चीजें एक होता है, क्लासरूम में सीखते हुए चीजें अलग होता है. दोनों बराबर नहीं है, अलग है. लेकिन क्लासरूम में जो सीखते हुए चीजें वो जिंदगी से जुड़े हुए चीजें होगा, नंबर वन. नंबर टू, वो 10,000 सालों की ह्यूमन एक्यूमुलेटेड इनहेरिटेंस की एक प्रोसेस है. मेरा ये मानना है कि चिल्ड्रन आर लर्निंग फ्रॉम देयर डे टू डे लाइफ, दे एक्सप्लोर, दे लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर रियल लाइफ. They learn a lot. They learn most of the things from real life rather than from the classrooms. Actually, that is the truth. But when we talk about classrooms, we are trying to bring 10,000 years of human search, human inheritance. So that need to be done in a very different way. When we do that, the most important pedagogical understanding is that that process should be drawn from real life experience. Aam zindagi se jude hue anubhav se ganit ki duniya mein
विज्ञान की दुनिया में लेके जाना है. इन द प्रोसेस चिल्ड्रन डेवलप्स मेनी स्किल्स, मेनी हैबिट्स, फोकस करने का, सही रूप में अपना सोच को एक्सप्रेस करने का, परसीवियरेंस, यू नो, ऑल दिस काइंड ऑफ, मिलके जुलके बात करना, मिलके जुलके प्रॉब्लम सॉल्व करना, दे appropriate these very, very useful habits. So classrooms are places where not only they learn abstract mathematics or scientific principles, but they learn about life, they learn lot of social skills, lot of personal habits which are prerequisite for their future learning. Basically learning to learn. I think that is the kind of a thing. So I will put one example, then I will open this for discussions. Humne bache ke saath kiya is dauran par ye covid ke time pe jahan class nahi hote hai normal schoolon mein. Humne bachchon ko bola dekho aap ek mutti mein bacche ne chana le liya, ek mutti mein rajma le liya. Fir humne बच्चों से पूछा किसमें होगा ज्यादा, तो बच्चे काफी सोचना पड़ा, तो फिर बच्चे बोला इस हाथ में ज्यादा होगा, इस हाथ में ज्यादा होगा. फिर हम बच्चों से बात किया कि क्या हम गिन के देखें, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगा. हाँ, कुछ बच्चे ने लेफ्ट बोला था, कुछ बच्चे ने राइट बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है हम गिन के देखता. तो फिर हमने हाथ खोला, फिर हमने गिनना शुरू किया, तो बच्चे को गिनने में, क्योंकि उनका प्रेडिक्शन था राइट हैंड, उनको मालूम होना चाहिए कि राइट हैंड में ज्यादा है या नहीं. फिर कुछ बच्चों को गिना और उनको मालूम हो गया राजमा जो लिया था वो ज्यादा था और चना कम था. फिर हमने कुछ बच्चों से ये सवाल पूछा कितना ज्यादा, तो वो बिल्कुल अलग सा लेवल का सवाल था. फिर कुछ और बच्चे था ज्यादा, थोड़ा कॉम्पिटेंट बच्चे था, उनसे पूछा कितना कम. कुछ और बच्चों से हमने पूछा इसको बराबर करने के लिए कितना राजमा का जरूरत है. सो एक तरीके से राजमा चना है जो उधर मिलता है, पत्ते के साथ भी ये कर सकता है. बहुत सारी चीजें जो बच्चे का दुनिया में है उसको हम अच्छी तरह टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना सकते हैं. लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है ज्यादा, कितना ज्यादा, कितना कम, कैसे बराबर करेंगे. मुझे लगा क्लास 1, 2, 3 मैथ्स की जो हार्ट यही है, काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, within which they can get into the world of multiplication. So wo bacche ko familiar situation hai, familiar object hai, engaging sawal hai. Fir bacche apne dono haathon mein dal ke dekhenge mera is haath mein zyada kaun sa baithega. They will try to count and compare almost everything which they get across. That means that child is motivated to learn. This was one recent experience. Thank you very much for your patient listening. Thank you. Now, I think if time permit, I would like to listen some comments and some opinions and some questions. If I don't know whether time permits or not, so we will make the judgment. Yeah. Yes, Shahji, we blocked the session. So we have exactly 5 minutes and then it will get disconnected. We tried extending the time, you know, which we couldn't do it right. All now. Right. I'm so sorry.